नमस्कार जोहार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को झारखंड में करेंगे 17 परियोजनाओं का शिलान्यास, देंगे करोड़ों रुपए की झारखंड को सौगात। जी हां, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को झारखंड के 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और 2 का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 14 परियोजना झारखंड एनएच उपभाग और 5 परियोजना एनएचएआई का है। श्री गडकरी पहले जमशेदपुर में दोपहर 2 बजे, फिर रांची के ओल्ड विधानसभा मैदान में शाम 5 बजे आयोजित शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर, आखिर किन किन चीज़ों का शिलान्यास होने वाला है झारखंड में, आखिर झारखंड को क्या क्या सौगात मिलने वाली है, चलिए जानते हैं। चलिए कि 1876 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में काली मंदिर से डिमना चौक बालीगुमा का तक 4 लेन का डबल टेकर एलिवेटेड रोड करीब 10 किलोमीटर का है। और दूसरी ओर 423 करोड़ से पश्चिमी सिंहभूम में NH320G में 0 से 42 करोड़ तक सड़क का चौड़ीकरण का वह मजबूतीकरण होने को है। तो दूसरी ओर 99 करोड़ की लागत से पश्चिमी सिंहभूम में NH75 पर छिकपानी और तालाबुरु रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी होने वाली है। और दूसरी ओर 96 करोड़ की लागत से NH75 पर छिंगपानी से तालापुर रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी होने वाली है। वहीं 51 करोड़ की लागत से NH75 में सिंह पोखरिया से छिपकपानी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी होगी। वहीं 514 करोड़ की लागत से पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा क्षेत्र में NH320G पर 98 से 196 किलोमीटर की किलोमीटर के बीच सड़क निर्माण होगा। 73 करोड़ की लागत से पूर्वी सिंहभूम में भुइया सिनान से सुनसुनी वाया हाथीखेड़ा रोड का निर्माण होगा। तो वहीं 104 करोड़ से पूर्वी सिंहभूम में फुलकुंडगरी NH33 से चांटी छरना वाया रूडी तक सड़क निर्माण किया जाएगा। ऐसे ही कई सारी चीज़ों का शिलान्यास होने वाला है। और उद्घाटन की बात करें तो जमशेदपुर में बहुलिया 4 लेन सेक्शन में 233 से 270 के बीच टूटे हुए भाग का होगा उद्घाटन। और वहीं NH33 में रामगढ़ के पटेल चौक के पास UBU का निर्माण हुआ है, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर पता चले कि झारखंड विधानसभा के अवैध खनन को लेकर हंगामा, विपक्ष ने की जाँच की मांग, सरकार ने दिया बड़ा जवाब। बैजरे के विधानसभा में शनिवार को अवैध खनन का मामला उठा। विपक्षी दलों के विधायक विधानसभा की विशेष कमेटी से अवैध खनन की जांच कराने की मांग पर अड़े रहे। भाजपा के विधायक वेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि राज्यभर में अवैध खनन को हो रहा है, साहिबगंज में 1,000 करोड़ और पूरे राज्य में 20,000 करोड़ का अवैध खनन हुआ है। स्पीकर इसकी विधानसभा कमेटी से जाँच कराएं। बताया कि हो हंगामा के बाद स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने पहली पाली में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। भाजपा के मुख्य सचेतक निरंजन नारायण ने अल्पसूचित के तहत मामला उठाया। श्री नारायण का कहना था कि 3 वर्ष से राज्यभर में अवैध खनन हो रहा है, 6 पहाड़ गायब हो गए हैं। वर्ष 2020 और 2021 में अवैध खनन से जुड़े मामले में 74 प्राथमिकी हुई है, जबकि 2022 और 2023 में 565 प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में विस्फोटक इस्तेमाल होते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के फर्जी सेल कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी, खान विभाग 142 की करेगा जांच, JSMDC ने मांगी जानकारी। जी हां दोस्तों, झारखंड में कुल 142 कंपनियों को कोल लीकेज मिला है। इनमें कई कंपनियां फर्जी तरीके से चल रही हैं, यानी सेल कंपनी है, कई कंपनियां अस्तित्वहीन हैं जिनका कोई कारखाना नहीं है पर वह कोयला उठा रही हैं। अब ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। खान विभाग की अनुसंगिक इकाई झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ऐसी कंपनियों की सूची जारी कर आम लोगों से इन कंपनियों के संबंध में जानकारी मांगी है। लोगों से कहा गया है कि वे बताएं कि क्या इन कंपनियों का कारखाना है, क्या ये कारखाने के लिए कोयला ले रहे हैं या अन्य काम के लिए। खान विभाग के अधिकारी के अनुसार दरअसल जिला प्रशासन से के स्तर पर ही खेल शुरू हो जाता है। कारखानों को कोयला उपलब्ध कराने के नाम पर कई सेल कंपनियां खोल दी गई हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर, बासुकीनाथ चित्रा नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए
कैम 256 रायतों को 6.76 करोड़ रुपए मुआवजा। खतरे की देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देश पर उत्तीर्ण मध्य विद्यालय अंगवाली में वासुकीनाथ चित्रा नई रेल लाइन योजना के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के एवज में मुआवजा भुगतान शिविर का आयोजन किया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी है, अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 10 टन कोयला जब्त, 11 बैलगाड़ी नष्ट। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ शनिवार को मुफसिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान शक्ति घाट व आसपास के क्षेत्र में की गई और इस दौरान अवैध रूप से 11 बैलगाड़ी में लोड व आसपास के क्षेत्र में तस्करी के लिए रखा गया 10 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। छापेमारी में CCL के PO एस के सिन्हा, पंचवा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी शामिल थे। तो वहीं दूसरी ओर रामनवमी को लेकर के बोकारो में नहीं बदलेगा रामनवमी के जुलूस का रूट, सोशल मीडिया पर रहेगी नज़र। DC SP ने की बैठक, बचले के बोकारो जिला में रामनवमी का त्यौहार 30 मार्च को मनाया जाएगा। 4 अनुमंडल अंतर्गत कुल 78 अखाड़ों का द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। इसमें 36 लाइसेंसी व 42 गैर लाइसेंसी अखाड़ा है। वहीं बेरमो अनुमंडल में 236 अखाड़ों की ओर से जुलूस निकाला जाएगा। त्यौहार शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न कराने को लेकर शनिवार को DC कुलदीप चौधरी व SP चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ न्यायस्थान के सभागार में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। तो वहीं आपको बता दें कि हावड़ा पटना के बीच आज से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, बंगाल से झारखंड बिहार जाना होगा आसान। लेकिन पश्चिम बंगाल से झारखंड और बिहार जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, उन्हें अब ट्रेनों में भीड़ नहीं झेलनी होगी। जी हाँ, पूर्व रेलवे ने हावड़ा से पटना के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन बंगाल से खुलेगी और झारखंड के रास्ते बिहार की राजधानी पटना जाएगी, पूर्व रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गई है। दूसरी ओर गिरिडीह के 7 क्रिकेट खिलाड़ियों का झारखंड अंडर 14 के कैंप में चयन, बचले की गिरिडीह के क्रिकेट खिलाड़ियों ने प्रतिभा की कमी कभी नहीं की है। एक के बाद एक जिला के क्रिकेट खिलाड़ी अन्य राज्यों से जाकर बेहतर खेल प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिडीह के 7 क्रिकेटर खिलाड़ियों का चयन JSCA झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 14 कैंप के लिए किया गया है। इनमें कर्ण कुमार, नितिन राज, उत्सव साहू, रंजन कुमार, अभिमन्यु कुमार पटवा, शिवम सागर मिश्रा, मोहन कुमार शामिल हैं। तो वही दूसरी वो पलामू टाइगर रिजर्व में कार्यरत 2 वनपाल समेत 12 को मिली पौंति, बने रेंजर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बड़ी अपडेट, पलामू टाइगर रिजर्व में कार्यरत 2 अलग अलग व वन क्षेत्र में कार्यरत 2 वनपालों को पौंति कर वन क्षेत्र पदाधिकारी बनाया गया है। इनमें बिदला नेशनल पार्क में कार्यरत वनपाल उमेश कुमार दुबे व छिपादोहर पूर्वी के वनपाल नंद कुमार महतो के नाम शामिल हैं। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के तहत विभागीय प्रतिनिधि की अनुशंसा पर राज्य के 12 वनपालों को वन क्षेत्र पदाधिकारी में प्रोन्नति किया गया है। दूसरी ओर सरहुल को लेकर रांची जिला प्रशासन ने की सरना समितियों के साथ बैठक, सुरक्षा का रहेगा पुख्ता इंतजाम। सरहुल पूर्व के मद्देनजर रखते हुए 18 मार्च 2023 को उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री किशोर कौशल ने शहर के विभिन्न सरना स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान आरक्षी अधीक्षक नगर श्री SS जैन, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची श्री RN आलोक, उप सहमता जिला नजात रांची एवं अन्य संबंधित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। अभी गर्मी की शुरुआत हुई ही है कि गर्मी के दस्तकते ही लोहरदगा में गहराने लगा है जल संकट, पेयजल के लिए दर दर भटक रहे हैं ग्रामीण। बजले के बघड़ू पंचायत के महुआ टोली गांव में 30 घरों के लोगों के समक्ष पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। गांव के लोगों के लिए पेयजल का एकमात्र सहारा मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत लगे जल मीनार
स्थिति जो पिछले 3 महीने से अधिक समय से खराब पड़ी हुई है और गांव का एक माँ चापानल भी वर्षों से खराब पड़ा है। महुआ टोली में एक कुआं भी है जो वर्तमान में सूखने की कगार पर पहुंच गया है। सुबह होते ही ग्रामीण पानी की जुगाड़ लग जाते हैं। उन्हें 1 किलोमीटर दूर स्थित जुआ से पानी लाना पड़ता है। महुआ टोली में 14वें वित्त आयोग से नाली निर्माण किया जा रहा है जिसके पटवन के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा निभा कुमारी ने बताया कि पानी के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। खराब मौसम के कारण गुमला में फसलों को हो सकता है नुकसान। बारिश व ओलावृष्टि देखते हुए जिले में अलर्ट जारी है। बचले के मौसम खराब होने से गेहूं, सरसों, फल, सब्जियों व दलहनी फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। अभी 2 से 3 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसको देखकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। चूँकि गुमला जिला मध्य झारखंड में अवस्थित है, गुमला में बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। ओलावृष्टि होने की स्थिति में गेहूं, सरसों, विभिन्न प्रकार की फल व सब्जियों व दलहनी फसल खराब हो सकती हैं, जिससे न केवल उक्त फसलों के उत्पादन पर असर पड़ेगा बल्कि किसानों को भी सीधे तौर पर नुकसान होगा। समस्या समाधान के लिए कृषि विभाग ने ओलावृष्टि के कारण फसल पर पड़ने वाले संभावित असर और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर की आई है बोकारो से। बोकारो में फूंक मारते ही सूत बूत खो बैठी महिला और 1.75 लाख का कंगन व टॉप्स लेकर ठग चंपत हो गया। जब तो बोकारो के गुजरात कॉलोनी में 2 अपराधियों ने शनिवार को दिन दहाड़े एक महिला को झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया। अपराधियों ने झांसा देकर महिला के हाथ से 2 कंगन व कान के टॉप्स खुलवाकर हैंडबैग में रखवाया और बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस सक्रिय हुई और अपराधियों की तलाश में आसपास के फुटेज खंगाली। पुलिस को एक फुटेज मिला है जिसके आधार पर अपराधियों को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी वो झारखंड में 8वीं के छात्र ने की खुदकुशी। स्कूल के प्राचार्य समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। क्या है गंभीर आरोप? बैतूल की बरही रॉयल ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के 8वीं क्लास के एक छात्र मोहम्मद रेहान अशरफ के स्कूल में प्रताड़ित किए जाने के कारण घर में फांसी लगा लेने का मामला सामने आया है। परिजनों ने रेहान को बरही अनुमंडलीय अस्पताल लाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना शनिवार की है। घटना में के संबंध में मृतक के पिता मोहम्मद रेताज उर्फ छोटू ने बरही थाने में प्रचार समेत 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि परीक्षा में चीटिंग कराने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी के अनुसार मृतक रॉयल ऑर्किड स्कूल में 8वीं क्लास का छात्र था। घटना के दिन सुबह 8:30 बजे स्कूल गया था। उसका एग्जाम चल रहा था और अंग्रेजी का पेपर था। परीक्षा में चीटिंग करने का आरोप लगाकर स्कूल में उसे काफ़ी अपमानित व प्रताड़ित किया गया था। दिन में 12:55 पर स्कूल वालों ने फ़ोन करके अभिभावक को स्कूल बुलाया। पिता मोहम्मद रेताज उसको पहुंचे तो प्राचार्य ने बताया कि उनका पुत्र रेहान परीक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। परीक्षा में बेटे के ऐसे आचरण को लेकर प्राचार्य ने मृतक के पिता को भी खूब झाड़ लगाई थी। झारखंड के गढ़वा में झमाझम बारिश से गिरा पारा। वज्रपात से 3 पशुओं की मौत। बाचले के गढ़वा जिले में बीते 16 माह से मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां तक कि अचानक बादल छाने व बूंदाबांदी से दिन में भी सड़क पर चल रहे वाहनों को रोशनी की जरूरत पड़ रही है। बताया जा रहा है कि लगातार 20 मार्च तक मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आकाश में बादल छाने के साथ ही लगभग सभी क्षेत्र में बीच बीच में कमोवेश बारिश हो रही है। इस क्रम में गरज के साथ वज्रपात से 3 पशुओं की मौत हो गई है। तेज हवा से CRPF का अस्थायी कैंप पूरी तरह से उजड़ गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मार्च से फिर तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के मुख्य विज्ञानी डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इस समय में होने वाली बारिश को मैंगो सावर कहते हैं, जिससे किसान ज़्यादा परेशान नहीं हो। फिलहाल खबरें बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि 25 बिल्डिंग के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि हम आप सबके लिए
ऐसी ही खबरें लेकर के आते रहते हैं। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।